सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब आपको गाय का सपना आता है तो उसका क्या फल होता है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सपने के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ नहीं बनाए, कुछ वीडियोज़ पहले बनाए थे। अब मुझे आज ही, मतलब ये बात मैं कल रात की बता रहा हूँ, मुझे खुद गाय का सपना आया था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। गाय का सपना आना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इंसान सपने में गाय को देखे और अगर वो सपना प्रातःकालीन हो, यानी सुबह के 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में हो ऐसा सपना जिसमें आप गाय को देख रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ में धन्य धान्य प्रॉस्पेरिटी, एक तरफ समझ लीजिए कि हर तरफ से पैसा फाइनेंशियली एक अपलिफ्टमेंट आने की स्थिति बनती है। यानी आपके जीवन में अगर किसी भी तरह से पैसों को लेकर कोई भी परेशानी चल रही है तो समझ लीजिए कि उसका इलाज आ गया है और आपके जीवन में फिर से पैसों की भरमार होने वाली है, या फिर आपके जितने भी कठिन दिन थे, जितने भी बुरे दिन थे, वो खत्म होने वाले हैं। क्योंकि गाय को हमारे शास्त्रों में माता का रूप दिया गया है और साथ ही साथ उनकी बहुत सारी जो है खूबियां होती हैं, बहुत ज़बरदस्त वो जानवर होता है जो हमारे साथ जब भी रहते हैं, मतलब हम अगर उनको अपने साथ रखते हैं तो हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो गाय बिल्कुल पूरी तरह से हटा देती हैं। गाय को इसलिए शुभ माना जाता है कि उनकी कोई भी चीज़, गाय का दूध हो, गोमूत्र हो, या कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग ज़रूर है। इसलिए गाय को हम यानी हिंदू लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आपके सपने में बहुत सारी रंग बिरंगी गाय आए या फिर कोई एक गाय आए तो सबका एक अलग अलग फल होता है। जैसे अगर आपके सपने में कोई सफ़ेद गाय आए और वो गाय हरा चारा चरती हो या सिर्फ आप गाय को खड़े हुए देखते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि के साथ साथ शांति भी आती है। एक तरह समझ लीजिए कि लाइफ अब जो है आपकी बिल्कुल स्मूथ होने वाली है, बिल्कुल सुरक्षित होने वाली है, स्पेशली पैसों के मामले में, जिसमें आप बहुत दिनों से परेशान थे वो परेशानी पूरी तरह से दूर होने वाली है। इसी प्रकार अगर गाय लाल रंग की हो तो समझ लीजिए कि पैसा बहुत ही तेजी से आपके पास आ रहा है, बहुत ही अधिक मात्रा में आपके पास आ रहा है, बाकी संभालना आपका काम है। लाल गाय नॉर्मली देखने से क्या होता है कि पैसों की जो स्थिति है वो बहुत तीव्र गति से आपके जीवन में ठीक होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि पैसे आते तो बहुत तीव्र गति से हैं लेकिन आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए लाल गाय का सपने में आना मतलब आपको अपने पैसे को सही से मैनेज भी करना है। अगर काली गाय आपके सपने में आए तो समझ लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा उत्तम सपनों में से एक होता है। नॉर्मली 2-3% लोगों के सपने में ही काली गाय आती है। अब इसका सटीक अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत रेयर होता है कि लोगों के सपने में काली गाय आए। काली गाय का मतलब है आपके जीवन में पैसे तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ नेम फेम अथॉरिटी, एक समझ लीजिए कि आपके जीवन में पूरी तरह से एक उत्तम विकास होने वाला है और ये ग्रोथ ऐसा होगा कि आपके जीवनचर्या को या आपके पूरे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। स्पेशली जो लोग राजनीति में हैं या फिर किसी भी ऐसे फील्ड में हैं जहां पर फेम की बहुत ज़्यादा अधिकता है, जैसे अभिनय, जैसे नृत्य कला, जैसे कि दूसरे ऐसे काम जहां पर आपके काम से लोग जाने, वैसे लोगों के लिए काली गाय का सपना आना बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसे लोगों को बहुत ही तीव्र गति से नेम फेम प्रॉस्पेरिटी मिलना चालू हो जाती है। अगर सपने में ऐसा आए कि बिल्कुल बहुत बड़ा सा हरा मैदान जहां पर बहुत सारी गायें जो है वो चर रही हैं, चारा खा रही हैं, तो ऐसी अवस्था में उसका इफेक्ट ये होता है कि समझ लीजिए कि आपके पास धन आगमन बहुत सारी जगहों से होने वाला है। प्लस
ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं वो पूरी तरह से खत्म होने वाला है और आपकी लाइफ जो है बहुत सुंदर बनने वाली है। अगर आप ऐसा देखें कि गाय को आप अपने हाथ से चारा खिला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने हाथ में जो भी प्रोजेक्ट लिया है या जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम से अब आपको अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाय को चारा खिलाने का अर्थ ये होता है कि आपने धन कमाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, अब उसका रिटर्न देने का टाइम आ गया है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब आप किसी को गाय का दूध दोहते हुए देखें या फिर खुद ऐसा देखें कि आप जो है गाय का दूध दोह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपने जो भी मेहनत किए हैं पिछले कुछ सालों में उसका अब आउटकम जो है उसका अब जो है रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दोहता हुआ गाय देखना बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि आपके मेहनत का अब फल आपको मिलने वाला है। अगर गाय दूहते हुए गाय अगर आपको लात मारे, लताड़े, तो थोड़ा सावधान होना है, क्योंकि ये धन हानि और समझ लीजिए कि नाम या उस तरह की चीज़ों की हानि होने की संभावना रहती है। सपने में गाय आके ये इंडिकेट करते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान होना है, स्पेशली धन के मामले में और अपने मान सम्मान के मामले में। गाय को पवित्र के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा यानी हिंदूज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि उनके शरीर से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं या उनके द्वारा जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसका किसी भी तरह से उपयोग हमारे जीवन में अगर करें तो हमें सिर्फ लाभ ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए पंचगव्य यानी गाय के द्वारा या गाय से जो दूध निकलता है वो उसके द्वारा बनने वाली जो वस्तुएं हैं उन सब चीज़ों का मिश्रण होता है, इसलिए गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। और गाय जो है सपने में आना समझ लीजिए कि अब जो है आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।